जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को दो कथाएं सुनाऊंगी। एक कथा महाभारत से संबंधित है और एक लोक कथा है। लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अब मैं आप लोगों को महाभारत से जुड़ी कथा सुनाती हूँ। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को सुने बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को सुनने का बहुत महत्व है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी ये दोनों कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।